हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल सेवी फोरेंसिक्स। सो फ्रेंड्स, हमारी आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है आप सभी के लिए। जितने भी लोग फोरेंसिक और डेंटोलॉजी में इंटरेस्टेड हैं, इसके बारे में जानना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होने वाली है। यहाँ पर आपको रिसर्च पर्पज से बहुत सारे नए नए टॉपिक्स के बारे में पता चलने वाला है। साथ में अगर कोई स्टूडेंट है जो फॉरेन में कुछ पीएचडी करने की सोच रहा है कि किस तरह से वहां पर आप जा सकते हैं, कौन सी बेस्ट यूनिवर्सिटी हो सकती है, तो उसके बारे में भी आपको इस वीडियो में पता चलेगा, ठीक है। एंड साथ में यहाँ पर आपको बहुत सारी एस्पेक्ट से पता चलेगा, यहाँ पर बहुत सारे क्रिमिनल केसेस जो होते हैं जो कि ओडोंटोलॉजी से रिलेटेड होते हैं, उनके बारे में भी यहाँ पर आप कुछ जानेंगे। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं डॉक्टर विक्रम आहूजा सर से, जिनके बारे में आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी वीडियो के थंबनेल में मिल गई होगी। उसके अलावा मैं आपको वापस से यहाँ पर सर का इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। सो सर ने बीडीएस किया हुआ है, एमडीएस किया हुआ है, सर ने पीजी डिप्लोमा किया है फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी से, सर ने हॉस्पिटल मैनेजमेंट से एमबीए भी किया हुआ है, सर मेंबर ऑफ ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी यूके से है, सर मेंबर ऑफ इंडो पैसिफिक अकेडमी ऑफ फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इंडिया से भी है, सर एग्जीक्यूटिव मेंबर ऑफ यूपी स्टेट डेंटल काउंसिल इंडिया भी है, सर यूपी स्टेट रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडियन डेंटल एसोसिएशन लखनऊ ब्रांच इंडिया, सर यूपी स्टेट फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट भी है एफएसएल लखनऊ में। एंड नॉर्थ इंडिया की बात करें तो इकलौते डॉक्टर विक्रम आहूजा सर ही हैं जो एक फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट की तरह वर्क कर रहे हैं, और इसके बारे में आपको और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सर के बारे में और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है, फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी के बारे में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। सो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, बिकॉज ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। सो देर किस बात की है, लेट्स बिगिन। So first of all, I would like to welcome Dr. Vikram Ahuja sir. So thank you so much for joining with us. Sir, सबसे पहले तो आप अगर अपने बारे में कुछ बताएं, जैसे आपने बहुत कुछ किया है, BDS, MDS and MBA भी किया है, forensic odontologist में आपने PG diploma भी किया है, and उसके अलावा foreign में भी आपने काफी सारे internship वगैरह करी हैं, तो please उनके बारे में हम सब कुछ बताइए। Well, thank you very much, Shruti. It's a pleasure to be in your program. एंड बेसिकली मैंने अपना बी डी एस लखनऊ से ही किया है, एंड उसके बाद मेरी एम एस सी मैंने फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में कार्डिफ यूनिवर्सिटी यूके से की है। देन आई डिड माई लाइक आई हैव डन माई सम डिप्लोमाज इन फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एंड एम डी एस इन ओरल मेडिसिन एंड रेडियोलॉजी। So all of them have given me a good experience in forensic odontology, and I have solved around 12 cases for the UP state government for the in forensic odontology. Jisme there are few cases for in bite mark rape cases, and my report is still there, and in fact I have my book on forensic odontology called Handbook of Forensic Odontology, which I was teaching Lucknow University as a guest lecturer, basically. Yes. And in fact, I have an experience in South Wales Police as well, in which I have worked for about 6 to 8 months with South Wales Police, and I have solved quite a few cases for them as well. And what else you want to know about it? सर, अगर हम फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट में मतलब एक स्कोप के बारे में बात करें तो कितना स्कोप है इस फील्ड में? फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में एक फुल टाइम जॉब तो नहीं है, लाइक आई वाज जस्ट डूइंग अ पार्ट टाइम जॉब, एंड बिकॉज़ आई एम अ फुल टाइम प्रैक्टिशनर एंड आई एम अ कॉस्मेटिक डेंटिस्ट इन व्हिच आई डू अ पार्ट टाइम फॉर यूपी पुलिस, लाइक व्हेन देयर इज अ केस देन आई गो एंड सॉल्व फॉर देम। इसमें फुल टाइम स्कोप नहीं है। हाँ, एकेडमिक्स में जरूर हम लोग लेक्चर जरूर देते हैं, वो भी एज अ गेस्ट लेक्चरर आई एम गिविंग द लेक्चर्स फॉर देम, जिसमें लाइक एमएससी फोरेंसिक जो हमारे लखनऊ यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम चल रहा है, एंड आई एम डूइंग दैट एज वेल। ओके, सो अगर हम बात करें कि अगर कोई स्टूडेंट बनना चाहता है तो एमबीएस एंड बीडीएस के अलावा और कोई ऑप्शन है कि अगर वो चाहे तो ऐसा कुछ कर सकते हैं? फोरेंसिक साइंसेज में जरूर स्कोप है, लेकिन फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच है जो कि नॉर्थ इंडिया में शायद आई एम ओनली प्रैक्टिसिंग दिस, एंड
साउथ में देर इज अ जेंटलमैन कॉल अशित आचार्य हु इज डूइंग इट एंड आई हैव नॉट हर्ड एनीबडी एल्स हु इज डूइंग फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी एज अ प्रैक्टिसिंग फोरेंसिक ओडोंटोलॉजिस्ट. फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी में बीडीएस तो करना ही करना पड़ता है बिकॉज यू शुड हैव अ गुड नॉलेज ऑफ डेंटिशियन बिकॉज उसमें बाइट मार्क और रेप केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और उसमें काफ़ी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए. और इवन वी एक्सट्रैक्ट डीएनए फ्रॉम दैट एरिया फ्रॉम सलाइवा. तो इट इज क्वाइट इम्पॉर्टेंट, वेरी इम्पॉर्टेंट टू हैव अ डेंटल डिग्री प्राइमरी एज वेल एज. हम लोग के हमारी कंट्री में इसमें स्पेशलाइजेशन नहीं है तो मैंने कार्डिफ यूनिवर्सिटी से इसीलिए किया था. वी डोंट हैव दिस ब्रांच इन इंडिया राइट नाउ. ओके सर, अगर हम इसमें बात करें कि आपने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है तो उसमें से कोई बहुत ही इंटरेस्टिंग केस आपके अकॉर्डिंग तो अगर आप उसके बारे में कुछ शेयर करें हमारे साथ. वैसे तो मेरे पास काफी अच्छे अच्छे केसेस हैं लेकिन मेरा पहला केस था अनीता मर्डर केस विच वॉज द फर्स्ट केस इन यूपी जो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी से सॉल्व किया गया था. अनीता मर्डर केस में DYSP एक उनकी विडो थी और उनका मर्डर हुआ था एंड दैट वॉज माई फर्स्ट केस जिसमें देयर वर सेवरल बाइट मार्क्स ऑन द बॉडी एंड आई गेव माई रिपोर्ट टू द पुलिस एंड द कल्प्रिट वॉज बीन कॉट इन 18 डेज. 18 दिन में हम लोग ने रिपोर्ट देकर और देयर वॉज ऑफ कोर्स द कोर्ट हेयरिंग वॉज फॉर अबाउट अ ईयर. दैट वॉज क्वाइट इंटरेस्टिंग केस. उसके बाद मेरा एक बहुत इंटरेस्टिंग केस था इलाहाबाद में जब एक बच्चे का मर्डर कर दिया गया था और उसकी बॉडी वॉज बीन बरीड इन द क्लासरूम मिजाइला विलेज इलाहाबाद के पास में है. वहाँ का केस था और उसमें उस बच्चे का आइडेंटिफिकेशन थ्रू डेंटिशन किया गया था और वो भी काफ़ी अच्छा केस था. इट वॉज वन ऑफ माई रियली क्लोज टू माई इन्वेस्टिगेशन वाला कह सकते हैं. इट वॉज अ क्वाइट अ गुड केस. रेप केसेस में देखो तो एक चाइल्ड रेप केस था जो सुल्तानपुर में एक 4 साल की बच्ची का रेप हुआ था और उसमें हम लोगों ने बाइट मार्क से द कल्प्रिट वाज बीन कॉट. ओके सर, अगर हम बात करें जैसे आपने बहुत सारे केसेस को सॉल्व किया है तो इसमें ऐसा कोई मतलब टॉपिक या इस तरह से कोई चीज लगी जिसमें फर्दर रिसर्च की रिक्वायरमेंट है? वेल ऑफ कोर्स बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें मुझे लगता है कि हम लोग का इंटरकेनाइन डिस्टेंस पे जैसा कि मेरी थीसिस थी कार्डिफ यूनिवर्सिटी में मुझे लगता है उस पर काफ़ी काम की ज़रूरत है. और इनफैक्ट सलाइवा डीएनए पे काफ़ी काफ़ी ज़्यादा अभी काम होना बाकी है. अगर डीएनए पे थोड़ा और अच्छा काम किया जाए तो बहुत ही इट विल बी वेरी गुड फॉर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी ब्रांच. यस सर, जैसे आपने बहुत सारे पेपर्स भी पब्लिश किए हैं तो उसमें से एक जो पेपर है आपका इनेमल वाला कि आपने इनेमल पे उसको हीट करके उसके अलग अलग टेम्परेचर्स पर उस पर काम किया है तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. ये मेरा बहुत इनिशियल पेपर था जिसमें मैंने जो विक्टिम्स होते हैं जैसे कि इफ एनीबॉडी इज बर्न इन अ हाई टेम्परेचर उस पर मेरा रिसर्च वर्क था कि हर टेम्परेचर पे मैंने देखा था इनामिल में क्या चेंजेस आते हैं. जैसा कि हम जानते हैं इनामिल इज द मोस्ट हार्ड टिश्यू इन द बॉडी. तो व्हेन इट गोज इन अ वेरी हाई टेम्परेचर इट डजंट डिस्ट्रॉय लाइक मैंने ये देखा 1200 डिग्री टेम्परेचर पे इनामिल डिस्ट्रॉय हो जाता है. इट बिकम्स इन द पाउडरी फॉर्म. तो कैन यू इमेजिन अ बॉडी इज बर्न अगर 1200 डिग्री में बर्न की जाए तब उसका डिस्ट्रॉय होता है. तो अगर कोई किसी का मर्डर करता है और उसको बॉडी को बर्न कर देता है तो द बॉडी इज नॉट बीन डिस्ट्रॉयड लाइक दिस यू नो आइडेंटिफिकेशन कैन बी मेड. यस ओके सो जैसे कि आपने बताया कि इनिशियल था लेकिन फिर भी अगर हम इस टॉपिक के लेकर अगर गूगल पे सर्च करें तो वहां पर आपके पेपर के अलावा वहां पर भी और कुछ अवेलेबल नहीं है तो इस वजह से काफी अच्छा ये पेपर था. उसके अलावा अगर आपका और कोई मतलब आपके अकॉर्डिंग जो सबसे अच्छा आपके लिए हो तो उसके बारे में कुछ प्लीज बताइए हम लोगों को. यू मीन द रिसर्च वर्क? यस सर, यस सर. इसमें जैसे कि मैंने आपको बताया कि काफी सारी चीजें हैं. हम लोग को इंटरमोलर डिस्टेंसेस पे भी जैसे इंडियन पॉपुलेशन पे काम करना चाहिए. इफ यू डू दैट
it is very it will be very useful for the age like age investigation and the calculation of the age, which will be very good. और जैसे सॉफ्ट टिश्यूज पे, अगर जैसे जो सॉफ्ट टिश्यूज होते हैं मुंह के आसपास, उस पे भी थोड़ा सा हम लोगों को काम करना चाहिए फॉरेंसिक ओडोंटोलॉजी के लिए. और लिप प्रिंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, लिप प्रिंट्स पे भी काफी काम अभी बाकी है. जैसे फिंगरप्रिंट्स होते हैं वैसे लिप प्रिंट्स भी होते हैं, जिससे काफी कुछ चीजें पता लग सकती हैं. यस सर. सर जैसे कि आपको लेम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में मिला हुआ है अवार्ड, तो उसके लिए आपका जो केस था 28 टीथ आपने सारे के सारे एक ही बार में निकाले थे, तो उसके बारे में प्लीज कुछ बताइए. वो काफी इंटरेस्टिंग केस था आपका. इट इज अपार्ट फ्रॉम फोरेंसिक एक्चुअली, उसमें मेरे इम्प्लांट्स का केस है वो, जिसमें मैंने 28 दांत एक पेशेंट के एक्सट्रैक्ट किए थे एंड वी हैव प्लेस्ड अराउंड 12 इम्प्लांट्स और इमीडिएटली मैंने उस पर दांत लगाए थे. तो ये एक मिस्टर चौधरी थे, ही केम फ्रॉम अल्बर्टा कनाडा एंड दैट केस एंड इट वाज फर्स्ट टाइम इट वाज डन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड. बिकॉज एक केस हुआ था जिसमें 16 दांत निकाले गए थे अमेरिका में और द पेशेंट एक्सपायर्ड ऑन द टेबल, बट वी टुक द रिस्क एंड वी टुक आउट 28 टुगेदर एंड द पेशेंट वॉज परफेक्टली फाइन, यू नो. एंड इन 6 आवर्स टाइम हमने उसको डेंटिशन दिया था. तो दैट वाज उसके बाद मैंने उसके बाद वैसे ही 4-5 केसेस और किए, लेकिन दैट केस वाज बीइंग रजिस्टर्ड इन लिम्का वर्ल्ड ऑफ बुक रिकॉर्ड्स. यस सर. जैसे आपने फॉरेन में भी काफी सारा काम किया हुआ है, तो वहां पर अगर हम पीएचडी की बात करें जो फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी है, तो उससे रिलेटेड अगर हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो वहां पर बेस्ट कौन सी यूनिवर्सिटी हो सकती है? वेल फॉर फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी द बेस्ट 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 इज इन ऑस्ट्रेलिया नाउ, क्योंकि इंग्लैंड में द फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी इज बीन लाइक उन्होंने कार्डिफ से बंद कर दिया है जो मास्टर्स प्रोग्राम था. इसमें पीएचडी नहीं है, लेकिन हाँ मास्टर्स प्रोग्राम है यूके में, जो कि आपका डंडी यूनिवर्सिटी में है स्कॉटलैंड के पास में. और ऑस्ट्रेलिया में काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी जो ऑफर करती हैं. सम ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी हैव स्टार्टेड पीएचडी प्रोग्राम, बट वी हैव टू फाइंड इट आउट. ओके सो अगर हम मतलब अगर कोई चाहता है फॉरेन में पीएचडी करना, तो उसका अगर आप प्रोसीजर कुछ आपको आइडिया है इसके बारे में? उसमें ऑक्यूपेशनल इंग्लिश टेस्ट ऑस्ट्रेलिया का देना पड़ता है और उसके बाद ही कैन टेक एडमिशन इन एनी ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटी टू परस्यू हिज एजुकेशन इन फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी. सी आई नो ओनली फोरेंसिक ओडोंटोलॉजी, आई एम नॉट श्योर अबाउट फोरेंसिक साइंसेज. So I think the best person will be the professors in our Lucknow University to tell. Okay, sir. Sir, अगर हम compare करें foreign में PhD and India में PhD, तो उन दोनों में ज़्यादा best कौन सी होती है आपके अकॉर्डिंग? जहाँ developed है branch वहाँ पर best है. Like India में अभी developed नहीं है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि Indian universities are bad, but we are not using advanced tools. And in foreign universities, they use that. So that is a difference. Okay. So thank you so much. And इसके अलावा अगर आप हमारे students को कुछ note वगैरह कुछ बताना चाहें tips, तो वो please share करिए. Well, my just one word, like few lines, I can say that the things can be made easy, but we should work hard. And in fact, all the branches can be, the scopes can be made by us only. It's not the universities, it's not the government who's going to do that for us. We have to make our own ways. Okay. So thank you so much, sir. And जैसे कि आप हमारे teacher भी रहे हैं लखनऊ university में, आपने हमें पढ़ाया भी हुआ है. And आपने जैसे ही मैंने आपसे contact किया, तो आपने तुरंत से yes भी बोल दिया हमें join करने के लिए. So thank you so much, sir. And thank you. Thank you, Shruti. God bless. Okay, take care. Bye-bye. Bye. Thank you.